भगवान चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण स्वयं है, जो स्वयं भगवान है, तो इस मेटेरियल वर्ल्ड में अवतरण हुआ उनका, किस वजह से हुआ? कलयुग के जीवों को उद्धार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु टोटल 48 ईयर्स, 48 साल इस मेटेरियल वर्ल्ड में था, इस पृथ्वी लोक में थे। तो इस 48 ईयर्स में जो पहला जो 24 ईयर्स था, फर्स्ट 24 ईयर्स ही स्पेंट इन नवद्वीप धाम। अपना बाल्य लीला, चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत बाल्य लीला नवद्वीप धाम में हुआ, और उनका गृहस्थ लीला नवद्वीप धाम पे हुआ। और नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन का भी शुरुआत हुआ। चैतन्य महाप्रभु बाल्य लीला के बाद गृहस्थ लीला में विष्णु प्रिया देवी, लक्ष्मी प्रिया देवी, दो शादी हुआ था चैतन्य महाप्रभु का। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया। कहां पे संन्यास लिया था चैतन्य महाप्रभु? काटवा धाम में संन्यास लिया। तो काटवा धाम में जहां पे चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लिया था चैतन्य महाप्रभु, वो जगह अभी भी है, वो मंदिर। उस मंदिर में चैतन्य महाप्रभु का जो बाल का समाधि है वो अभी भी है। अक्टूबर मंथ में हम लोग गए थे उधर पे, विजिट किए थे भक्तों के साथ। तो गंगा के तट में है वो मंदिर, और अभी भी वो भगवान का जो बाल मुंडन हुआ, इतना सुंदर बाल था भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का, जो नापित था, जो जो बाल काट रहा था नापित, वो काट नहीं पा रहा था बाल को, उनका हाथ ही नहीं चल रहा था। इतना वो रो रहा था कि चैतन्य महाप्रभु का बाल को कैसे काटे, इतना सुंदर। और भगवान भगवान स्वयं नवद्वीप छोड़ के अभी संन्यास लेने वाला है, ये किसी भी तरीके से हजम नहीं हो रहा था नवद्वीप वासी के लिए। तो वहां पे भगवान का बाल का समाधि है। और इस तरीके से संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन का लास्ट 24 ईयर्स, 24 साल वो जगन्नाथपुरी धाम पे गुजारा, इन द पुरी धाम, इन द होली लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो इस 24 ईयर्स का जो लीला था, इस 24 ईयर्स में पहला 6 ईयर्स, फर्स्ट 6 ईयर्स भगवान सारा इंडिया में टूर किया। सो वेर ही टूर, कहाँ कहाँ पे चैतन्य महाप्रभु गए? पहले तो साउथ इंडिया गए, जगन्नाथपुरी से साउथ इंडिया के लिए निकल गए भगवान चैतन्य महाप्रभु। और जहां पर भी भगवान जाता था वहां पर सिर्फ चैंटिंग और डांसिंग करते करते जाता था, जो भी भगवान को देखता था उन लोगों को कृष्ण प्रेम मिल जाता था। हाईएस्ट परफेक्शन इन स्पिरिचुअल लाइफ कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता था वो लोग। फिर जो लोग ऐसे कृष्ण प्रेम मिल गया वो लोग गांव में लौट जाते थे, और गांव में लौट के जिसको भी टच करते थे वो लोग भी कृष्ण प्रेम में पागल हो जाते थे। इस तरीके से ये चैतन्य महाप्रभु का ये जो संकीर्तन आंदोलन पूरा इंडिया में छाने लगा एकदम। साउथ इंडिया में भ्रमण करते करते एकदम लास्ट में कन्याकुमारी तक गया, और फिर से कन्याकुमारी से फिर महाराष्ट्र तुकाराम का जगह इस सब होके फिर ऊपर में आए। फिर वृंदावन भी गया चैतन्य महाप्रभु। चैंटिंग और डांसिंग के माध्यम से भगवान का प्रेम वितरण करने लगा भगवान चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण प्रेम वितरण करने लगा। जहां पर भी जाता था वहां पे कृष्ण प्रेम का फ्लड
एकदम बोलता है ना बाढ़ ला देता था पूरा। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु पहला सिक्स इयर्स संन्यास लेने के बाद पहला सिक्स इयर्स कंटिन्यूअसली ट्रेवल किया। तो इसके बाद जो छह साल था वो चैतन्य महाप्रभु सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही स्टे किया और जगन्नाथपुरी में स्टे करके मेनली वो भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र भक्तों के साथ चैंटिंग करते थे। नेक्स्ट सिक्स इयर्स बहुत सारे डिवोटीज थे, पर्सनल एसोसिएट्स थे चैतन्य महाप्रभु के, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे पूरी धाम में, और उन लोगों के साथ तपन मिश्रा, गोपीनाथ आचार्य, सब भक्तों के साथ स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, तो इन लोगों के साथ चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते थे भक्तों के साथ और कीर्तन करते थे। तो इस तरीके से छह साल कंटिन्यूअस ट्रेवल किया, उसके बाद छह साल भक्तों के साथ चैंटिंग किया, 12 साल हो गया। अब लास्ट जो 12 साल अभी बाकी है उसमें लास्ट 12 years हाउ ही स्पेंड द लास्ट 12 years लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे जब प्रेजेंट थे तो दिन रात कृष्ण का चिंता में, कृष्ण के साथ सेपरेशन फील करता था और इतना वो महाभाव स्तर में जो सबसे हाईएस्ट भक्ति का जो सबसे हाईएस्ट लेवल है श्रीमती राधा रानी जिस स्तर में है उस स्तर में कोई जीवात्मा नहीं पहुंच सकता है। तो महाभाव स्तर में वो भगवान कृष्ण के प्रति सेपरेशन फील करता था दिन रात और रोता था। गुंडीचा आपका जो जगन्नाथपुरी में गुंडीचा नहीं जो मैं भूल गंभीरा यस गंभीरा में रहते थे चैतन्य महाप्रभु, अभी भी वो गंभीरा है उधर पे, उस जगह पे एक छोटा सा रूम एकदम वहां पे दिन रात कृष्ण के चिंता में सेपरेशन में दिन रात रोता था और उनका दो एसोसिएट्स हर टाइम पे उनके साथ था, एक तो है रामानंद राय और एक है स्वरूप दामोदर। तो चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण का विरह में जब रोता था तब उनका आंख से पूरा एकदम पिचकारी निकलता था, पिचकारी का तरह आंसू निकलता था पूरा, हम लोग का लिए वो संभव नहीं है, एकदम पिचकारी जैसा आंसू, और उसमें कंटिन्यूअसली 12 years ऐसे बिताया चैतन्य महाप्रभु। और जगन्नाथ मंदिर में जाते थे, श्रीमद् भागवतम सुनते थे, गीत गोविंद सुनते थे, कृष्ण कर्णामृत का ये जो श्लोक है वो पढ़ते थे, शरद दामोदर और रामानंद राय उनके सामने वो पढ़ते थे। तो कृष्ण का भाव में पूरा हाईएस्ट स्टेज है, हम लोग उसको कभी भी इमिटेट नहीं कर सकते। तो ऐसे करके लास्ट 12 years स्पेंट रिलिशिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण इन सेपरेशन, जो वृंदावन का पास्ट टाइम्स है, जो कृष्ण जब वृंदावन से चले गए तो उस टाइम पे गोपी लोग और स्पेशली राधा रानी का क्या फीलिंग हुआ था वो टेस्ट करने ही भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। व्हाट लव श्रीमती राधा रानी हैज टू टेस्ट दैट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु केम, और वही लास्ट 12 years में उनका जो इच्छा हुआ वो पूर्ण करने का कोशिश किया, पता नहीं कितना सक्सेसफुल हो पाया हो तो भगवान ही जानता है। She wanted to experience the love that Srimati Radharani is feeling in separation of Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu enjoyed the position of the gopis in separation, especially in Radharani, Srimati Radharani. So the ecstatic, the ecstasy, the feeling hai, Bhagwan ka prem ka, to wo demonstrate kiya the last 12 years mein unka is dharadham pe. Aur Chaitanya Mahaprabhu kaise aprakat hua? और टोटा गोपीनाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुआ। तो टोटा गोपीनाथ मंदिर जगन्नाथपुरी धाम पे ही है, तो टोटा गोपीनाथ मंदिर का
जो विग्रह है उसमें चैतन्य महाप्रभु घुस गए। उस विग्रह का जो घुटना है उसमें उसमें घुस गया चैतन्य महाप्रभु। इस तरीके से अप्रकट हुआ भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम से। तो चैतन्य महाप्रभु का जो पर्सनल एसोसिएट्स, एकदम चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा को जो खुद से चैतन्य महाप्रभु से जो लिया शिक्षा, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके डायरेक्ट डिसाइपल्स। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उस छह गोस्वामी के हेड थे, सर्व गोस्वामी के हेड थे, जो लीडर थे सर्व गोस्वामी में। सर्व गोस्वामी में रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी है और जीव गोस्वामी है। जीव गोस्वामी उनमें से सबसे जूनियर था। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी देवर द लीडर्स एंड वी हैव ऑलरेडी हर्ड द पास्ट टाइम्स ऑफ रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी प्रीवियसली। उनका दाबिर खास और शाकुर मलिक, उन लोगों का नाम था कैसे, नवाब हुसैन शाह का राज्य में वो लोग नौकरी करता था प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर का रूप में, ऐसा हम लोग सुने हैं पहले। तो चैतन्य महाप्रभु का एक ही डिजायर है कि पृथ्वी का सब जो जीवात्मा है, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, एवरीवन, एवरी लिविंग एंटिटी, वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करे और भगवत धाम पे लौट के जाए। ये चैतन्य महाप्रभु का एकमात्र डिजायर है। तो ये जो कंपैशन है, जो मर्सी है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, चैतन्य महाप्रभु इसी के बारे में हर टाइम सोचता था। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार हरिदास ठाकुर से पूछा कि कैसे ये मुस्लिम लोग कैसे डिलीवर होगा। चैतन्य महाप्रभु बहुत चिंता कर रहे थे जगन्नाथपुरी में कि मुस्लिम लोग का कैसे उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर जो भगवान के भक्त थे, हरिदास ठाकुर हर रोज 192 राउंड्स चैंटिंग करते थे, 192 राउंड्स। जो चैतन्य महाप्रभु उनको नामाचार्य का उपाधि दिया, नामाचार्य का टाइटल दिया भगवान स्वयं। तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का चिंता को दूर किया। तो हरिदास ठाकुर बोला कि भगवान आप चिंता मत कीजिए, मुस्लिम लोग भी भगवान का नाम जप करके उद्धार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोला कैसे होगा। तो मुस्लिम लोग जब हा राम लोग बोलता है तो उसमें राम है, भगवान का नाम है। तो भगवान का नाम ये चैंटिंग करके किसी भी तरीके से भगवान का नाम लेके उन लोग की उद्धार हो जाएगा। तो जो नामाचार्य खुद ये चैतन्य महाप्रभु को आश्वस्त किया। तो चैतन्य महाप्रभु इसीलिए उनका जो कॉम्पैशन है, जो कृष्ण प्रेम है, इसका जो फ्लड ये बहता रहे अगले 10,000 साल तक, इसलिए वो व्यवस्था करके गया चैतन्य महाप्रभु। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप था, उनका जो डायरेक्ट शिष्य है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और सर्व गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दिया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का ये कॉम्पैशन को, कृष्ण प्रेम को पूरा दुनिया में वितरण किया जाए। तो ये सर्व गोस्वामी को, विशेष करके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु चार इंस्ट्रक्शन दिया, फोर इंस्ट्रक्शन दिया। तो रूप सनातन को चैतन्य महाप्रभु बोला कि वृंदावन जाने के लिए, वृंदावन में भगवान का जो लीला स्थली है उसको फिर से पुनरुद्धार करने के लिए वो भेजा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को। चैतन्य महाप्रभु जब खुद गया था वृंदावन में, तब राधा कुंड और श्याम कुंड को उद्धार किया, खुद उद्धार किया राधा कुंड श्याम कुंड को। लेकिन दूसरा जो लीला स्थली है, जैसे टेर कदम हो गया और बहुत सारा और भी लीला स्थली वृंदावन में, वो लीला स्थली को रीडिस्कवर करने के लिए, अनकवर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु किनको भेजा, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भेजा। तो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया, चार इंस्ट्रक्शन में से फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया। सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि इंस्टॉल डेटीज एंड अरेंज देयर पूजा
तो हर गोस्वामी के, हर एक गोस्वामी के एक एक विग्रह है। जब हम लोग वृंदावन में जाते हैं तो सर गोस्वामी के जो विग्रह है उनका दर्शन करने का हम लोग को सौभाग्य मिलता है। ना? तो रूप गोस्वामी का जो विग्रह है वो है राधा गोविंद, राधा गोविंद मंदिर। रूप गोस्वामी वो राधा गोविंद मंदिर बहुत सुंदर मंदिर था, अभी भी है सुंदर मंदिर, वो वृंदावन में है। लेकिन उसका जो उसका टॉप मोस्ट चूड़ा में एक प्रदीप जलता था, लेकिन औरंगजेब उस प्रदीप को देख के बहुत उसको एनवियस हो गया, जेलस हो गया कि आगरा से वो प्रदीप दिखाई देता था, इतना मतलब ऊंचा था राधा गोविंद का मंदिर, अभी भी है वृंदावन में। उसका जो टॉप मोस्ट एकदम चूड़ा में प्रदीप आगरा से दिखता था, तो औरंगजेब बोला औरंगजेब को यह हजम नहीं हुआ, तो मंदिर का पूरा ऊपर पार्ट वो तोड़ दिया। अभी भी मंदिर है लेकिन ऊपर का पार्ट वो मुगल ने, औरंगजेब ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो राधा गोविंद कौन है? राधा गोविंद रूप गोस्वामी का विग्रह है। और सनातन गोस्वामी का विग्रह है राधा मदन मोहन, मदन मोहन मंदिर वृंदावन में बहुत फेमस मंदिर है। तो राधा मदन मोहन सनातन गोस्वामी का सेवित विग्रह है। और सनातन गोस्वामी हो गया, रूप गोस्वामी हो गया, और रघुनाथ दास गोस्वामी का सेवित विग्रह है राधा गोपीनाथ। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी है हम लोग का संबंध आचार्य। वेद में तीन प्रिंसिपल है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीन प्रिंसिपल है। संबंध पहले स्थापित करना है, जानना खुलते कॉलेज की कॉल, तो संबंध स्थापित करना है पहले, तो भगवान के साथ अतटा खुलो ना, हल्का खुलो, ठंडा लगो। तो संबंध पहले हम लोग को जानना है कि हम लोग भगवान के दास है, हम लोग आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं है। वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये संबंध, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ये संबंध पहले हम लोग को जानना है। तो संबंध आचार्य है सनातन गोस्वामी। उसके बाद अभिदेव, जो प्रोसेस संबंध जान के अभी भक्ति का प्रोसेस को कैसे फॉलो करें, अभिदेव इसको बोला जाता है, प्रोसेस टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ भक्ति, अभिदेव। तो अभिदेव आचार्य है रूप गोस्वामी, और रूप गोस्वामी का जो विग्रह है वह राधा गोविंद। तो अभिदेव विग्रह है, संबंध विग्रह है राधा मदन मोहन, अभिदेव विग्रह है राधा गोविंद, और प्रयोजन हम लोग को क्या चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। प्रयोजन आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी, और उनका जो विग्रह है वो है राधा गोपीनाथ। तो प्रयोजन विग्रह, कृष्ण प्रेम जो प्रयोजन है उसका विग्रह है राधा गोपीनाथ। तो प्रयोजन एकदम टॉप लेवल में, पहले संबंध, उसके बाद अभिदेव, उसके बाद प्रयोजन, ये तीन चीज हम लोग को, ये वैदिक प्रोसेस ये है। तो शर गोस्वामी को सेकेंड इंस्ट्रक्शन जो दिया वो इंस्टॉल डेटीज एंड अरेंज देयर पूजा। तो आपका वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो विग्रह है वो है राधा रमन। राधा रमन बहुत ही फेमस विग्रह है, आप लोग जानते होंगे राधा रमन, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी का विग्रह है। राधा रमन कैसे प्रकट हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग उसके पीछे कहानी है राधा रमन का। राधा रमन एक शालिग्राम शिला था, शालिग्राम शिला जो है वो भगवान से अभिन्न है। वो शालिग्राम शिला जो गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम शिला का पूजा कर रहे थे, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को इच्छा हुआ कि शालिग्राम शिला का कोई ड्रेसिंग नहीं कर पाए, ड्रेस नहीं पहना पाए। भगवान का महान भक्त लोग भगवान को पर्सनल पर्सन एक 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 व्यक्ति का रूप में पूजा करता है, दे ट्रीट हिम एज अ पर्सन। तो वो सोचा शालिग्राम शिला को कैसे ड्रेस पहना है, तो इसलिए शालिग्राम शिला से एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी नींद में सो गया, और वो शालिग्राम शिला से अपने आप भगवान स्वयं वो शालिग्राम शिला से एक विग्रह का रूप धारण कर लिया। बहुत सुंदर विग्रह है राधा रमन मंदिर वृंदावन में, बहुत सुंदर मंदिर है,
वहां पे जाने पर ही बहुत एक अलग सा फीलिंग होता है, बहुत ही स्पिरिचुअली वाइब्रेंट प्लेस। तो ऐसे डेटी इंस्टॉल करने बोला चैतन्य महाप्रभु। थर्ड इंस्ट्रक्शन दिया था भक्ति का लिटरेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, भक्ति का लिटरेचर लिखने के लिए बोला, कॉम्पाइलेशन करने के लिए बोला भक्ति का लिटरेचर, भक्ति का स्क्रिप्चर्स को जो आप लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ रहे हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन भी है, तो ये रूप गोस्वामी द्वारा ये लिखित है, समस्त वेद से वेद का पूरा एकदम एसेंस ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन नेक्टर ऑफ डिवोशन इसमें है। तो रूप गोस्वामी हरिभक्ति विलास सनातन गोस्वामी लिखा, तो ये भक्ति का लिटरेचर कंपाइल किया, और इस भक्ति का लिटरेचर को बाद में जाके पूरा दुनिया के दुनिया का लोगों के लिए वितरण करना बहुत जरूरी था। और फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या दिया चैतन्य महाप्रभु, टू प्रोपागेट द रूल्स ऑफ डिवोशनल लाइफ, भक्ति कैसे अपना आचरण से कैसे भक्ति करना है उसको सिखाने के लिए और प्रोपागेट करने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए, भक्ति का स्क्रिप्चर्स जो लिखा उसको अभी प्रोपागेट करना है, सबको बांटना है, ये फोर्थ इंस्ट्रक्शन था, ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसा लिख दिया बहुत अच्छा बहुत ही टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर, ऐसा लिखने से ही सिर्फ नहीं होगा, उसको प्रोपागेट करना है। तो सरल गोस्वामी का ये मेन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ये चार इंस्ट्रक्शन दिया भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो अभी सरल गोस्वामी में सबसे जूनियर जो है वो शिला जीव गोस्वामी। तो शिला जीव गोस्वामी जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चले गए तो शिला जीव गोस्वामी वो प्रमुख हुए तब, तो उनके पास शिक्षा लेने बहुत महान भक्त लोग आते थे। तो जीव गोस्वामी से शिक्षा लेने तीन महान आचार्य आए, तीन महान भक्त आए, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। ये तीन महान भक्त जीव गोस्वामी के पास शिक्षा लेने आया, जीव गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु हुए। तो श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, ये तीन महान भक्त। तो इन तीन जीव गोस्वामी उन लोगों को शिक्षा दिया और उन लोगों को भक्ति का प्रैक्टिस में एंगेज किया। और नाउ व्हाट जीव गोस्वामी टोल्ड देम, जीव गोस्वामी उन लोगों को बोला कि जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो भक्ति का जो ग्रंथ लिखा है उसको पूरा दुनिया में बांटना है, और इसके लिए इस भक्ति का ग्रंथ को पहले बंगाल में लेके जाना है। तो बंगाल कैसे लेके जाना है, ये तीन जन को ये जिम्मेदारी दिया जीव गोस्वामी। किनको किनको, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। तो अभी इन लोगों का ऊपर बहुत बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस भक्ति का लिटरेचर को बंगाल में लेके जाना है। तो श्रीनिवास आचार्य, इनका बारे में थोड़ा जानते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु तो अप्रकट हो गया, चैतन्य महाप्रभु भगवत धाम पे चला गया, जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गया। तो उनके जो शिष्य चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित थे वहां पे कुछ दिन तक, चैतन्य महाप्रभु चले जाने के बाद कुछ दिन तक गदाधर पंडित वहां पे थे। तो श्रीनिवास आचार्य गदाधर पंडित से मिलने का कोशिश किया। तो बंगाल से श्रीनिवास आचार्य कहाँ गए, जगन्नाथपुरी गया, पैदल चलना पड़ता है तब। तो जब तक टाइम हो गया पैदल चलते चलते, जब पहुंचा पुरी में तो उस टाइम पे गदाधर पंडित अप्रकट हो गया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया। गदाधर पंडित इज वन ऑफ द पंच तत्व, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा आदि गौर भक्त वृंद। गदाधर पंडित इज द इनकार्नेशन ऑफ श्रीमती राधारानी। तो गदाधर पंडित से भी मिल नहीं पाया श्रीनिवास आचार्य। तो अभी उनका डिजायर हुआ कि ठीक है, गदाधर पंडित से भी नहीं मिल पाए तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिल लेते, वो लोग वृंदावन में है। तो जर्नी स्टार्ट किया, कहां से जर्नी स्टार्ट किया, जगन्नाथपुरी से जर्नी स्टार्ट किया।
गदाधर पंडित भी टोटा गोपीनाथ मंदिर में ही रहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। चैतन्य महाप्रभु वहां पे क्षेत्र संन्यास लिया था गदाधर पंडित। क्षेत्र संन्यास मतलब वहीं पे रहेगा, कहीं दूसरा जगह नहीं जाएगा। जनरली सन्यासी को सन्यासी बहुत घूमता है, ट्रैवलिंग करता है, लेकिन क्षेत्र संन्यास है कि वहां पर ही सारा जीवन रहना। तो टोटा गोपीनाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु भी अप्रकट हो गया और गदाधर पंडित भी वहां पे अप्रकट हो गया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया। उन दोनों से एक जन से भी नहीं मिल पाया। तो श्रीनिवास आचार्य अभी सोचा कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिलेगा, तो इसलिए वृंदावन की तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया जगन्नाथपुरी से। और जब वृंदावन में जब पहुंचा तब खबर मिला कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों ही अप्रकट हो गए हैं। तो उनको बहुत दुख हुआ कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अब नहीं रहा इस दुनिया में। तो जीव गोस्वामी फिर उस टाइम पे था। तो ये श्रीनिवास आचार्य राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा गोविंद मंदिर जो रूप गोस्वामी का मंदिर है, रूप गोस्वामी का विग्रह का मंदिर है, तो राधा गोविंद मंदिर के सामने बैठ के रो रहा था। तो उस टाइम पे बहुत रो रहा था, सेपरेशन फील हो रहा था, रूप गोस्वामी से नहीं मिल पाए। उस टाइम पे जीव गोस्वामी उस मंदिर में एंटर किया। तो जीव गोस्वामी जब उनको देखा तो उनको उनको उठाया और उनसे उनको गले लगाया जीव गोस्वामी। तो इस तरीके से जीव गोस्वामी से उनका मुलाकात हुआ, तो बहुत बहुत उनको अच्छा लगा। तो जीव गोस्वामी के पास वो ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। तो जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। गोपाल भट्ट गोस्वामी और एक वन ऑफ द सिक्स गोस्वामीज। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको बहुत कुछ कृष्ण कथा बोला। रूप गोस्वामी ये भी बताया कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी जो ये श्रीनिवास आचार्य से मिलना चाहते थे। तो राधारमन मंदिर में लेके गया गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को। राधारमन मंदिर जो राधारमन विग्रह है वो तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का ही विग्रह है। तो इस तरीके से जीव गोस्वामी के अंडर में श्रीनिवास आचार्य ट्रेनिंग शुरू किया। तो उस टाइम से वो देखा कि और दो जन जीव गोस्वामी के अंडर ऑलरेडी शिक्षा ले रहा है। तो श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी, लेकिन शिक्षा लिया किनसे? जीव गोस्वामी से शिक्षा लिया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को बोला कि तुम जितना भी शिक्षा है तुम जीव गोस्वामी से लो। तो जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य का पूरा टेक केयर किया। तो जब जीव गोस्वामी के अंडर में श्रीनिवास आचार्य पढ़ रहा था तब देखा कि एक साल पहले से नरोत्तम दास ठाकुर भी जीव गोस्वामी के अंडर वो शिक्षा ले रहा है, स्पिरिचुअल एजुकेशन ले रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर सिर्फ नहीं, और भी एक जन महान भक्त को जीव गोस्वामी दे रहा था, वो है दुखी कृष्णदास, जिनका बाद में नाम हुआ श्यामानंद पंडित। तो ये तीन जन जीव गोस्वामी के अंडर में शिक्षा ले रहा था, श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और कौन? श्रीनिवास आचार्य। मिशन उनके हाथ में दे दिया है। क्या मिशन दिया है? ये जो भक्ति का लिटरेचर है वो बंगाल में लेके जाना है, और बंगाल में लेके जाके वहां पे फिर से उसको कॉपी करना है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो भी लिटरेचर्स सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कंपाइल किया है उसको बंगाल में लेके उसको उसके कॉपी बनाना है, देन डिस्ट्रीब्यूट। अभी तो प्रिंटिंग का फैसिलिटी है, उस टाइम में प्रिंटिंग का फैसिलिटी नहीं था, कॉपी करना पड़ता था किताबों को और कॉपी करके उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल नॉट इन बुक्स, इट इज अवेलेबल इन इंटरनेट। हाउ मच इट इज, यू नो, ऑल द ग्रेट लिटरेचर्स ऑफ रूप गोस्वामी, इट इज अवेलेबल इन इंटरनेट फॉर्मेट, इन हार्ड कॉपी, एवरीवेयर इन द होल वर्ल्ड इट इज
available so easily. It was not so easily available at that time. तो ये है शुरुआत मिशन ऑफ कॉम्पैशन. फर्स्ट मिशन टू टेक द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द होल वर्ल्ड. तो मिशन कैसे बिगिन होता है वो देखते हैं. जर्नी शुरू हुआ तो जीव गोस्वामी में बहुत सारे वैष्णव को बुलाया और बोला कि अच्छा नरोत्तम दास ठाकुर को उनका उनका टाइटल दिया, महाशय टाइटल दिया नरोत्तम दास ठाकुर को. उनको बोला कि आप नरोत्तम ठाकुर महाशय आज से बुलाया जाएगा. तो श्रीनिवास आचार्य को बुलाया तो आचार्य टाइटल नहीं था, तो पहले श्रीनिवास टाइटल था जब शिक्षा ले रहा था, तब शिक्षा कंप्लीट होने के बाद श्रीनिवास आचार्य का टाइटल दिया जीव गोस्वामी. और श्यामानंद पंडित का टाइटल दिया. तो अभी जीव गोस्वामी इन तीनों को तीन जगह में प्रीचिंग करने के लिए बोला. बंगाल में जाकर पहले बुक्स को कॉपी करना है और फिर तीन जगह में प्रचार करना है. जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को बोला कि बंगाल में प्रीचिंग करना है, श्यामानंद पंडित को बोला उड़ीसा में पिचिंग करने के लिए, और नरोत्तम दास ठाकुर को कहां पे, बांग्लादेश. तो ये श्रीनिवास नरोत्तम और श्यामानंद पंडित ये वृंदावन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था. वो लोग कष्ट पा रहा था, लेकिन ये मिशन को कंप्लीट करना है, मिशन ऑफ कॉम्पिशन कॉम्पैशन, तो नहीं तो होगा नहीं. जैसे कि शिला प्रभुपाद भी वृंदावन को छोड़कर जब अमेरिका गया, जब जहाज में था, जल्दू जहाज में जब था, बहुत कष्ट हो रहा था. वो वाज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम वृंदावन. प्रभुपाद इज राइटिंग इन हिज जलदूत डायरी दैट आई एम फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम वृंदावन, बट आई हैव टू गो बिकॉज़ इट इज द ऑर्डर ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर. इस तरीके से जीव गोस्वामी और ये तीनों भक्त बंगाल की तरफ जर्नी को ये शुरुआत किया. तो वो लोग दो ठो गुलाब कार्ड और चार ठो बुलॉक्स मतलब हेल्दी बुलॉक्स जो सांड रहता है ना, जो लेके जाता है, तो चार ठो वो जुगाड़ किया और दो ठो गुलाब कार्ड में, बहुत बड़ा गुलाब कार्ड था. पहले का दिन में तो ट्रेन नहीं था, एरोप्लेन भी नहीं था, गुलाब कार्ड से सब इधर उधर जाता था. आज से 50 साल पहले भी लोग गुलाब कार्ट में गोरुर गाड़ी बोलता है ना बंगाली में, गोरुर गाड़ी, बैलगाड़ी में इधर उधर जाता था. कोई मामा घर गया तो बैलगाड़ी में चलता था. तो हम तो बैलगाड़ी का ये सब कॉन्सेप्ट नहीं देखा. हम जब जन्म लिया तो ट्रेन को, एक ट्रेन था क्या, तूफान एक्सप्रेस, उसको बैलगाड़ी बोला जाता था. हम सोचते वही बैलगाड़ी है, लेकिन ये बैलगाड़ी का कॉन्सेप्ट कैसे आया. बैलगाड़ी मतलब लोग सोचता है कि जो ट्रेन हर एक स्टेशन में रुकता है उसको बैलगाड़ी बोलता है, बैलगाड़ी ट्रेन. लेकिन बैलगाड़ी का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि कोई अपना पहले के कोई रिलेटिव के घर में जाता था, बैलगाड़ी में सब सवार होकर जाता था और एक जगह पे रुकता था, खाना खाता था, फिर से और एक जगह पे रुक के 10-12 दिन में जर्नी कंप्लीट करता था. तो दो ठो बैलगाड़ी का जुगाड़ किया और किताब रखने के लिए, और 10 गार्ड को जुगाड़ किया. बहुत ही आर्म्ड गार्ड्स, मतलब तलवार लेके पूरा 10 आर्म्ड गार्ड्स किताब को प्रोटेक्शन करने के लिए और किताब को रखने के लिए 2 बैलगाड़ी का बहुत बड़ा बड़ा जुगाड़ किया. और उसमें पूरा ओरिजिनल जो मैनुस्क्रिप्ट है, रघु गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी का, जीव गोस्वामी का, सब जो लिटरेचर है वो पूरा उसमें स्टैक किया, दो बैलगाड़ी में स्टैक किया. तो उसके बाद जीव गोस्वामी उन लोगों के लिए एक स्पेशल पासपोर्ट का भी व्यवस्था कर दिया. और उस टाइम पे पासपोर्ट का भी जरूरत पड़ता था. राजा के अंडर, एक राजा से दूसरे राजा के अंडर में जब जाता था तब तो पासपोर्ट का जरूरत होता था. तो जयपुर का राजा क्या किया था, ईस्टर्न इंडिया में जाने के लिए जो पासपोर्ट लगेगा उसका व्यवस्था कर दिया था जयपुर का राजा. तो इस तरीके से तीन जन वृंदावन को छोड़ के आगे बढ़ने लगा.
तो ट्रैवलिंग कर शुरू हो गया। तो पहले जीव गोस्वामी और दूसरा डिवोटी कुछ दूर तक गया था क्योंकि बहुत सेपरेशन हो रहा था, उन लोग को भी बहुत सेपरेशन हो रहा था कि मेरा तीन शिष्य जा रहा है, छोड़ के जा रहा है। तो कुछ दूर तक जीव गोस्वामी भी उन लोगों को एकॉम्पनी किया था। तो जब आगरा में आया, आगरा में जब पहुंचा मथुरा से, तब वो लोग जो जीव गोस्वामी और दूसरा भक्त लोग वहीं पे रुक गया और नहीं जाएगा, अभी उन लोगों को विदाई देना है। तो जर्नी शुरू हुआ और कोई टर्निंग बैक नहीं है। बहुत सारे मंथ्स महीना बीत गया और वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, दिस इज द फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, दिस पार्टी रीच द स्मॉल विलेज नेम्ड गोपालपुर, गोपालपुर में वो पहुंचा। तो गोपालपुर में बहुत बहुत महीनों के बाद ये गोपालपुर में आया। और गोपालपुर गांव कहां पे था, वो बंगाल में वान विष्णुपुर, वान विष्णुपुर जो जो जगह है उसका बाउंड्री में ये गोपालपुर गांव है। तो बंगाल में आ गया वो लोग, पूरा जर्नी शुरू किया उड़ीसा, आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार होके पूरा बंगाल में घुस गया। और बंगाल पे वेस्टर्न साइड ऑफ बंगाल देयर इज दिस बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, यू नो। तो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के बान विष्णुपुर में मल्ल राजा था उस टाइम पे, तो वहां का बाउंड्री गोपालपुर में आ गया वो लोग। तो वहां पे वो लोग एक रात्रि रेस्ट करने का सोचा था। तो विष्णुपुर जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो वहां का जो राजा था उसका नाम था, वान विष्णुपुर का राजा उसका नाम था बीर हम्बीर। तो वहां पे वो राजा क्या किया था, उनका एक डकैत का, वो डकैत पालता था वो राजा, बहुत ही मतलब वो चालाक राजा था। उनका हाथ में एक बहुत ही खूंखार डकैत का गैंग था उसका हाथ। तो जो भी जंगल के रास्ते में उसका राज्य में घुसता था तो वो राजा ऑर्डर देता था डकैत लोगों को कि उन लोगों को जाके लूट लो, उन लोगों को लूट लो और जितना भी पैसा मिलेगा उसका ज्यादातर हिस्सा मेरे को दे देना, तुम लोग कुछ ले लेना और कुछ रहना। तो इस तरीके से राजा खुद ही एक मतलब चोर टाइप का, डकैत टाइप का था कि दूसरे डकैत से वो लूटपाट करवाता था और जो जो उसको उनको मिलता था लूट करके वो राजा खुद के पास रख देता था मैक्सिमम पोर्शन। और राजा के पास एक स्पेशल एस्ट्रोलॉजर भी था, वो एस्ट्रोलॉजर बताता था। हाँ, वो एस्ट्रोलॉजर वो पहले से ही बोल देता था कि आपका राज्य में ऐसा एक बहुत ही धनी व्यक्ति आ रहा है, बहुत सारा उसके पास पैसा है, डायमंड है, ज्वेलरी है, आप अपना डकैत को ऑर्डर दीजिए कि आप उनको लूट करने के लिए और फिर जो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो एस्ट्रोलॉजर बोला, जब जीव गोस्वामी और ये तीन आचार्य जब पहुंच गया गोपालपुर में, तब वो एस्ट्रोलॉजर बोला राजा को, राजा बीर हम्बीर को एस्ट्रोलॉजर बोला कि तुम्हारा राज्य में इतना बड़ा धन संपत्ति आने वाला है, तुम सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा धन संपत्ति तुम्हारे राज्य में आने वाला है, तो तुमको इसको मतलब लूटना ही चाहिए, एकदम छोड़ना नहीं है इन लोग। तो एस्ट्रोलॉजर पे तो राजा बहुत ये हो गया, राजा सोचा कि अच्छा ठीक है, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इन लोगों को लूट करेंगे तो बहुत बड़ा मेरे को तिजोरी मिल जाएगा। राजा को पता नहीं कि इन लोगों का बुलक कार्ट में किताब है सिर्फ। तो डकैत लोगों को भेजा लूट करने के लिए, लूटो उन लोग, रात में ही लूटो। तो डकैत लोग गया तो देखा कि 15 आदमी और 10 जो आर्म्ड सोल्जर्स थे जो पहले से वृंदावन से आ रहे थे और 2 कार्टमैन जो गाड़ी को आगे लेके जो चलाने वाला था और 3 होली मैन मतलब जो श्यामानंद पंडित श्रीनिवास आचार्य और
नरोत्तम दास ठाकुर, इन तीन तीन महान संतों को देखा। और डकैत लोग बहुत नंबर में बहुत ज्यादा था, 200 का नंबर में था डकैत, बहुत बड़ा गैंग उसको पाल के रखा था राजा बीरहमवीर ने। तो वो लोग सोचने लगा कि इस कार्ट में, ये दो बुलक कार्ट में, ये दो बैलगाड़ी में इतना इतना सोना होगा, इतना जवाहरात होगा, तो इतना कुछ होगा। बाइबल में तो इधर सीखी है। हरे कृष्णा। तो राजा सोचने लगा कि इतना कुछ होगा, डकैत लोग सोचने लगा कि इतना कुछ हम लोग को मिलने वाला है। हाँ, वेट नहीं कर पा रहा था वो लोग। तो वो लोग लूट कर दिया, कंप्लीटली लूटपाट करके वो लोग लेके चला गए। तो वो जो भक्त लोग, तीन भक्त लोग भोपालपुर में उस रात बिता रहा था, वो सब सो गया था उस रात पे। जब सोने के टाइम में डकैत लोग सब लेके चला गया, और जब उठा, जब नींद से उठा, तब देखा कि जिस जिस बुलक कार्ट में इतना कुछ लेके वो लोग आ रहा था, वो सब लूट के लेके गया। कोई डकैत लोग डकैत ही हो गया। बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा। तो श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि बांग्लादेश में जाने के लिए और टीचिंग करने के लिए और ढूंढने के लिए, कि ठीक है बांग्लादेश के तरफ अगर चला गया है, डकैती करके लूट के लेके चला गया बांग्लादेश के तरफ, तो ठीक है आप उधर चल जाइए और ढूंढिए। श्यामानंद पंडित को श्रीनिवास आचार्य बोला कि आप उड़ीसा में चला जाइए, उड़ीसा के तरफ आप देखिए, डकैत लोग उड़ीसा में अगर चला गया है तो उधर जाके ढूंढिए, जो गोस्वामी के जो ग्रंथ है वो। और न, और श्रीनिवास आचार्य बोला कि मैं बंगाल में ढूंढता, इधर पे मैं देखता हूँ। नरोत्तम को बोला तुम बांग्लादेश चल जाओ, श्रीनिवास श्यामानंद पंडित को बोला तुम उड़ीसा चल जाओ, और मैं बंगाल को मैं देखता हूँ। तो रूप गोस्वामी को वो चिट्ठी लिखा, क्या क्या हुआ, क्या घटना हुआ। रूप गोस्वामी भी बहुत दुखित हुआ कि ऐसा हो गया, चोरी हो गया रास्ते में लिटरेचर्स। तो अभी क्या हुआ, राजा बीरहमवीर डकैतों को बुलाया कि क्या दिखाओ, लेके आओ तुम, क्या चोरी किया है तुम लोग, डकैती किया है। सबसे एस्ट्रोलॉजर बोला था कि सबसे ज्यादा प्रीशियस ज्वेल्स इसमें है, दुनिया का सबसे प्रीशियस ज्वेल्स, देखते हैं क्या हुआ। तो उन अपना वो कब देखेगा, वो प्रोपेंसिटी रोक नहीं पा रहा था। और जब देखा, हाँ, जब खोला उस बक्से को, जब ट्रंक को जब खोला, तब देखा कि अरे ये तो कुछ किताब है, ये कुछ पाम लीव्स में मैन्युस्क्रिप्ट्स है सिर्फ, कहाँ है हीरे जवाहरात, कहाँ है मोस्ट प्रीशियस ज्वेल्स, कहाँ है, तो क्या हो गया ये पूरा एकदम। वो राजा भी पूरा एकदम बहुत ज्यादा मायूस हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर राजा का कुछ मतलब चेंज होने लगा। तो राजा वो मैनुस्क्रिप्ट को पढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा, और मैंने मैनुस्क्रिप्ट में सिग्नेचर देखा, रूप गोस्वामी को सिग्नेचर देखा, और सब मैनुस्क्रिप्ट को निकाल के, अब एस्ट्रोलॉजर तो बोला था कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर है, तो सब ढूंढ के देख रहा है कि कोई पाम लीव का अंदर में कुछ डायमंड है कि नहीं, कुछ इधर उधर है कि नहीं, सब ढूंढ रहा है ना वो। तो वो पूरा एग्जामिन कर रहा, हर एक लिटरेचर को, हर एक राइटिंग को वो एग्जामिन कर रहा था, और ऐसे वो पढ़ रहा था रूप गोस्वामी का जो लिखा हुआ चीज, वो राजा वो पढ़ रहा था, जो फिलोसॉफी है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, राजा उसको पढ़ने लगा, और उसका हार्ट थोड़ा थोड़ा करके चेंज होने लगा। तो पूरा जब पढ़ लिया, सब चेक कर लिया, जब वो सबको एक ट्रंक में बंद करके वो उनका उनका रूम में रख दिया। तो उनको राजा जब पूरा जो लिटरेचर जब पढ़ लिया, तो उनको बहुत दुख हुआ कि अरे मैं क्या किया, ये जो साधु संत लोग है ये लेके जा रहा था, उनको हम चोरी कर लिए, और मैं ये बहुत बड़ा पाप किया हूं। तो उस रात में राजा को एक सपना आया, उस सपने में एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति,
बहुत ही एफल्जेंट एकदम, मतलब पूरा रोशनी निकल रहा है उसका शरीर से, एक एफल्जेंट व्यक्ति, उसका शरीर से पूरा दिव्य स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा है। वो बोला कि डू नॉट वरी, नॉट टू वरी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत मतलब वो हंस के बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही विष्णुपुर में आ रहा हूं और आपसे मिलूंगा। आपका आपका पास से जितना भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जितना भी वो पाम लीव्स में जो पाम जो पत्ता में ताल का पत्ता में जो भी लिखा गया है, सबको मैं फिर से वापस में मैं ले लूंगा और आपका सभी पाप को मैं हरण कर लूंगा। आप पूरा आनंद में पूरा पागल हो जाएंगे, आनंद का कोई सीमा नहीं रहेगा आपका जीवन में, आप चिंता मत कीजिए। तो अगले दिन नींद से उठा ये राजा, नींद से उठा और उनको एक नया लाइफ मिल गया जैसे। तो श्रीनिवास आचार्य फिर ये गोपालपुर जो विष्णुपुर का बॉर्डर में था, गोपालपुर से विष्णुपुर में घुसा। तो विष्णुपुर में घुस के एक ब्राह्मण से मिला श्रीनिवास आचार्य, उसका नाम था कृष्ण बल्लभ। तो वो कृष्ण बल्लभ उनको श्रीनिवास आचार्य को अपने घर पे बुलाया, गेस्ट का तरह ट्रीट किया पूरा एकदम। और कृष्ण बल्लभ समझ गया कि ये श्रीनिवास आचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही महान आचार्य है। तो उनके पास में वो सरेंडर कर दिया ये कृष्ण बल्लभ, ये ब्राह्मण। तो कृष्ण बल्लभ एक दिन बोला कि राजा भागवतम रिसाइटेशन करता है, मतलब पंडित बुला के भागवतम को स्टडी करवाता है। तो राजा क्या कर रहा था, राजा वो जो ट्रंक में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स था, उस मैन्युस्क्रिप्ट्स को रिसाइट करवाने के लिए पंडित को बुलाता था। एक एक दिन में एक एक पंडित को बुलाता था, स्पेशली एक स्पेसिफिक पंडित को बुलाता था। कोर्ट का जो पंडित था उसका नाम था व्यासाचार्य नाम था उसका। तो भागवत कथा और ये जो रिसाइटेशन, ये जो पुस्तकें था, इसका रिसाइटेशन करवाता था। श्रीमद भागवतम का भी करवाता था और आचार्य का भी रिसाइटेशन, ये मैन्युस्क्रिप्ट का भी रिसाइटेशन करवाता था। तो भागवतम रिसाइटेशन ये व्यासाचार्य राजा के पास बैठ के हर दिन करता था। ये खबर कौन दिया, कृष्ण बल्लभ खबर दिया किनको, ये श्रीनिवास आचार्य। तो राजा ऐसे हर वीक में हर दिन ये व्यासाचार्य के पास से ये श्रीमद भागवतम का कमेंट्री और श्रीमद भागवतम का जो फिलोसॉफी है ये सुनता था बैठ के। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन राजा सुन रहा था व्यासाचार्य के पास से श्रीमद भागवतम सुन रहा था। तो ये कृष्ण बल्लभ जो है ब्राह्मण, वो श्रीनिवास आचार्य को उस जगह पे लेके गया, क्योंकि कृष्ण बल्लभ का कुछ कनेक्शन था राजा के साथ, राजा का कोर्ट में जाने का उनका अधिकार था। तो श्रीनिवास आचार्य को भी वो लेके गया। तो श्रीनिवास आचार्य अभी सुन रहा है कि व्यासाचार्य क्या बोल रहा है राजा को ये श्रीमद भागवतम के बारे में, श्रीमद भागवतम का क्या चीज जो जो टिप्पणी दे रहा है श्रीमद भागवतम के बारे में, और क्या बोल रहा है कथा, कृष्ण कथा क्या बोल रहे हैं। तो श्रीनिवास आचार्य सुन के वो समझ गया कि ये परफेक्टली नहीं बोल रहा। तो जो राजा सुन रहा था हर दिन, तो उसको कुछ इंटरेस्ट लग रहा था। तो लेकिन श्रीनिवास आचार्य समझ गया कि जो व्यासाचार्य जो बोल रहा है स्पेशली कृष्ण का रासलीला के बारे में, वो ठीक ठाक से नहीं बोल रहा है। तो व्यासाचार्य वॉज नॉट ए परफेक्ट डिवोटी ऑफ कृष्ण, तो वो रासलीला के बारे में ठीक ठाक टिप्पणी नहीं किया, गलत चीजें बताया रासलीला के बारे में। तो श्रीनिवास आचार्य, अब राजा तो सुन रहा था, जब व्यासलीला रासलीला के बारे में जब व्यासाचार्य ये राजा को कुछ बता रहा था, तो श्रीनिवास आचार्य उठ खड़ा हुआ और क्वेश्चन पूछा, जो आप जो ये बता रहे हैं, श्रीनिवास आचार्य उस असेंबली में था और व्यासाचार्य बोल रहा है राजा को, श्रीनिवास आचार्य उठ के क्वेश्चन किया, जो आप जो ये बोल रहे हैं रासलीला के बारे में, ये तो परफेक्ट कमेंट्री नहीं है, इतना कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर है भगवान का रासलीला, और आप जो कमेंट्री दे रहे हैं, आप जो बता रहे हैं इस रासलीला के बारे में, ये श्रीधर स्वामी के अनुसार नहीं है। श्रीधर स्वामी सबका
सबको जानता है श्रीधर स्वामी इज द ग्रेटेस्ट कमेंटेटर ऑन श्रीमद भागवतम, सबको श्रीधर स्वामी को एक्सेप्ट करता है, चैतन्य महाप्रभु भी श्रीधर स्वामी को एक्सेप्ट किया। तो श्रीनिवास आचार्य बोला कि अरे आपको ये ठीक ठाक नहीं बोल रहे, ये श्रीधर स्वामी के अनुसार नहीं है ये। तो अभी सबके सामने ये क्वेश्चन कर दिया, व्यासाचार्य बहुत गुस्सा हो गया, चैलेंज कर दिया सबके सामने, वो चैलेंज कर दिया कि मेरा ये जो कमेंट्री है वो सही है, मैं राजा को सही चीज बोल रहा हूँ। श्रीनिवास आचार्य को पूरा ये कर दिया, चैलेंज दे दिया, तो कैसे कैसे तुम मेरा अंडर में ये दोष निकाल सकते। तो राजा फिर क्या बोला, राजा श्रीनिवास आचार्य चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो श्रीनिवास आचार्य भागवतम का ही जो कमेंट्री है, भागवतम का जो वो जो वर्स है, जो रासलीला के ऊपर जो जो श्लोक था, उसका ऊपर वो खुद उसका ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया। तो व्यासाचार्य उसको चैलेंज किया था, तुम एक्सप्लेनेशन दो, मैं तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, मेरा गलती तुम सबके सामने प्रमाण करो। तो श्रीनिवास आचार्य भागवतम का जो श्लोक है रासलीला के ऊपर उसका एक्सप्लेन किया, बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीधर स्वामी का अनुसार से भागवतम के जो रासलीला का वो पूरा डिस्क्राइब किया। और राजा वो सुन के बहुत खुश हो गया। व्यासाचार्य का भी कमेंट्री कुछ कुछ अच्छा लग रहा था राजा को, लेकिन श्रीनिवास आचार्य का जो कृष्ण प्रेम में जो मतलब हाईएस्ट स्तर में एकदम जो दिया हुआ जो कमेंट्री परफेक्टली इन लाइन विद द गुरु परंपरा, ये राजा वीर हमवीर को बहुत टच कर गया। राजा वीर हमवीर पूरा समझ गया कि यही एक्चुअल है कमेंट्री, यही एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है श्रीमद भागवतम का। और श्रीनिवास आचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, श्रीनिवास आचार्य एक महान संत है, और उनके पास से ही भागवतम सुनना चालू कर दिया राजा वीर हमवीर। तो श्रीनिवास आचार्य को एकोमोडेशन दिया राजा, और उनका उनका राज्य में रहने का स्थान दिया राजा। और उस रात में श्रीनिवास आचार्य को डिनर पे बुलाया राजा वीर हमवीर। और वहां पे राजा वीर हमवीर उनको उनके पास सरेंडर किया, उनको गुरु का रूप में स्वीकार करने के लिए स्वीकार करना चाहा। तो श्रीनिवास आचार्य राजा को अपना शिष्य का रूप में ग्रहण किया। तो फिर उसके बाद श्रीनिवास आचार्य धीरे धीरे राजा के पास से वो किताब जो सरग गोस्वामी का जो लिटरेचर्स था वो फिर ले लिया धीरे धीरे, तो गुरु दक्षिणा का रूप में वो किताब ले लिया। तो अभी फिर से the books are actually safe again. Again, the manuscripts of the six Goswamis are again in the hands of Srinivas Acharya. वही ट्रंक को देखा जिस ट्रंक में लेके आया था वृंदावन से, वही ट्रंक को देखा और बहुत अच्छा लगा श्रीनिवास आचार्य को, एक्स्टेटिक फीलिंग आ गया उनको। उनके उनके जो उस ट्रंक को माला पहनाया श्रीनिवास आचार्य, और बहुत जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करने लगा, नृत्य करने लगा श्रीनिवास आचार्य। तो ये विष्णुपुर जो बाण विष्णुपुर है जहां पे वीर हमवीर राजा था, वो राजा सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि भगवान का भक्ति करने के लिए, वो राजा पूरा वैष्णव बन गया और पूरा राज्य उस टाइम पे भक्ति का पूरा माहौल पूरा राज्य में छा गया एकदम, सब लोग भक्ति भक्ति करने लगा। और इस तरीके से वो बाण विष्णुपुर में भक्ति का पूरा एकदम फ्लड आ गया, विष्णुपुर बिकम्स ए सेंटर ऑफ वैष्णव कल्चर। तो बाण विष्णुपुर यहाँ पे और एक चीज के लिए फेमस है बाण विष्णुपुर, लास्ट ईयर हम लोग इस ईयर पे ही गए थे बाण विष्णुपुर में, एक कामान है, एक एक अभी इसका कहानी हम बताए थे, एक तो तोप है इस विष्णुपुर जगह में, इस तोप को भगवान कृष्ण खुद चलाया था,
उनका भक्तों को प्रोटेक्शन करने के लिए बान विष्णु को दौल मादोल कामान इसको बोला जाता है। ये कामान मतलब क्या है, इट्स अ कैनन, कैनन। तो कृष्ण खुद उस कैनन को चलाया था। तो विष्णुपुर ये जो जगह है, विष्णुपुर अभी भी है आपका बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, विष्णुपुर बांकुड़ा, सॉरी बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट बीरभूम, सॉरी बांकुड़ा विष्णुपुर। यस, दिस प्लेस इज वेरी फेमस प्लेस, इट वॉज सेंटर ऑफ कृष्ण कॉन्शियस कल्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा बीर हम्बीर। तो इस तरीके से बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी है, ये पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बंगाल में किस तरीके से स्ट्रगल फेस किया, किस तरीके से बुक्स खो दिया, फिर से वो बुक्स मिला ये, और फिर ये बुक्स को रिपीट किया गया, इसको फिर से इसको लिखा गया, कॉपी बनाया गया और डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इतना कष्ट किया हम लोग का आचार्य ने। और इसी गुरु परंपरा का धारा में शिला प्रभुपाद जी इस ग्रंथों को सारा दुनिया में प्रचार किया, दुनिया में फैलाया। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का माध्यम से आज यही आचार्य का जो लिटरेचर्स है पूरा दुनिया में यह फैल चुका है और आगे चल के और ज्यादा फैलेगा। तो श्रील प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक इंस्ट्रक्शन दिया था, दो इंस्ट्रक्शन मेन था। एक है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जाके इंग्लिश लैंग्वेज में प्रचार करना, और दूसरा था कि व्हेनेवर यू गेट मनी प्लीज प्रिंट बुक्स। दिस वाज द सेकंड इंस्ट्रक्शन दैट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गेव टू श्रील प्रभुपाद। तो whenever you get money, print books. And Srila Prabhupada did that. Raat raat jag ke Srila Prabhupada ye books likha. Srimad Bhagavatam ke upar commentary likha. Bhagavad Gita jo sabse famous hua. Nectar of instruction, nectar of devotion. Kitna books likha. Small books, so many small books. Krishna book, 10th canto ka upar Krishna book likha. श्रीला प्रभुपाद जी, श्रीला प्रभुपाद जानते थे कि वो श्रीमद भागवतम का कमेंट्री और पर्पट पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा 12वां स्कंध तक, इसलिए 10th कैंटो जो कृष्ण लीला है, सिर्फ 10th कैंटो ऑफ श्रीमद भागवतम इज ओनली अबाउट कृष्ण लीला। तो उनके उस 10th कैंटो का ऊपर आधार करके कृष्ण बुक लिखा श्रीला प्रभुपाद जी। तो आज हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम लोग श्रील प्रभुपाद के बुक्स पढ़ पा रहे हैं, महान आचार्य के बुक्स पढ़ पा रहे हैं, और शास्त्रों का जो सार है भगवद गीता और श्रीमद भागवतम, उसका एडवांटेज हम लोग उठा पा रहे हैं। तो एक बार मैं कहानी बोलता हूं। क्या हुआ, एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्या थी, माताजी डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद, वो वृंदावन में रहती थी माताजी, अभी भी है, फीमेल लेडी डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद, ही स्टेज इन वृंदावन। तो एक दिन क्या हुआ, ये माताजी का ड्रीम में एक सन्यासी आया माताजी का ड्रीम में। वो सन्यासी आके उनको बोला कि एक्चुअली माताजी वृंदावन में ही रहना चालू कर दिया था, इस्कॉन वृंदावन में ही। तो उनका ड्रीम में एक सन्यासी आके बोला कि तुम राधा कुंड में चला जाओ। तो वो माताजी का ड्रीम में वो आया, तो माताजी सोचने लगा कि क्या बात है, मेरा ड्रीम में एक सन्यासी आके मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया कि राधा कुंड में जाने के लिए। तो काफी कंफ्यूज था, क्या बात है, क्या श्रील प्रभुपाद इस सन्यासी को भेजा, भगवान कृष्ण ने इस सन्यासी को भेजा, पता नहीं क्या है। तो अगले दिन श्रील प्रभुपाद उनका ड्रीम में आया, और राधा दामोदर
जो कृष्ण बलराम मंदिर है इस्कॉन वृंदावन, आई थिंक सम ऑफ यू हैव गॉन देयर। तो कृष्ण बलराम मंदिर में जो कोर्टयार्ड है वो लो लेवल में है। तो वो ड्रीम में माता जी देखा कि कृष्ण बलराम मंदिर में वो जो कोर्टयार्ड है वो पानी से भर गया है, वो पानी से भर गया है, और उस पानी में श्रील प्रभुपाद खड़ा है और श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सभी भक्तों को बोल रहे हैं और किताब लाओ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद बांट रहा है किताबों को। भक्तों को बोल रहे हैं और किताब लाओ, प्रभुपाद बांट रहा है पानी में खड़ा होके। राधा कृष्ण बलराम मंदिर का कोर्टयार्ड पानी में भर, उस पानी में खड़ा होके ये ड्रीम में देख रही है माता जी, और उस माता जी को श्रील प्रभुपाद बता रही है कि गो ऑन डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, डोंट लीव इस्कॉन, गो ऑन डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन एज आई एम डूइंग। और श्रील प्रभुपाद दिखाया ये जो पानी है ये पानी राधा कुंड का पानी है। तो राधा कुंड में जाने का जरूरत नहीं है, सिंपली फॉलोइंग प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस is following Srimati Radharani's instruction. It is most pleasing to Srimati Radharani. Chaitanya Mahaprabhu ka senapati bhakt hai, Jagat Guru Srila Prabhupada. Koi ordinary vyakti nahi hai. Chaitanya Mahaprabhu kaun hai? Lord Krishna in the mood of Srimati Radharani. Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna, nahi aur nahi. To Radharani aur Bhagwan Shri Krishna bahut chunke श्रील प्रभुपाद को सिलेक्ट किया है उनका संकीर्तन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो उनका इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो और कुछ नहीं हम लोग को चाहिए। आचार्य और श्रील प्रभुपाद के शिष्य यही हम लोग को इंस्ट्रक्शन देता है कि नेवर लीव इस्कॉन। देयर मे बी चैलेंजेस, देयर मे बी डिफिकल्ट सिचुएशंस, बट नेवर लीव इस्कॉन। Srila Prabhupada told that ISKCON is my body. ISKCON mera sharir hai. So if we are remaining in ISKCON and associating with ISKCON devotees and we are fixed up in following Srila Prabhupada's instructions, there may be challenges, there may be difficulties. Yes, it happens. Material world is a challenging place. Material world mein problem aayega hi. Aisa nahi hai. माया हम लोगों के सामने चैलेंज लाएगा ही। मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, बट वी रिमेन फिक्स्ड अप इन दिस मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। रीड एंड डिस्ट्रीब्यूट हिज बुक्स एंड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, देन वी विल बी हैप्पी। एंड एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द लाइफ, वी विल गो बैक होम, बैक टू गॉड। एंड यू शुड टेक दिस वेरी सीरियसली। श्रील प्रभुपाद बोला कि ये जो किताब है वो मैंने नहीं लिखा है, कृष्णा ने डिक्टेशन दिया है और मैंने जस्ट उसको कॉपी किया है, लिखते गया मैं बस। दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर कृष्णस वर्ड्स। श्रील प्रभुपाद टोल्ड दिस। श्रील प्रभुपाद हिमसेल्फ यूज्ड टू ऑल्सो रीड हिज बुक्स समटाइम्स बिकॉज ही बिलीव्ड एंड ही वाज फर्म इन हिज कन्विक्शन। Because he knew that these are not his own words, Krishna's dictation. और एक तो कहानी बोल के मैं खत्म करूंगा आज को, बहुत ज्यादा देर तक नहीं एक्सटेंड करूंगा। लास्ट पास्ट टाइम आई विल शेयर। न्यूयॉर्क में 2014 का यह चीज है, कहानी है, रियल घटना है। श्रील प्रभुपाद के भगवद गीता हम लोग जानते हैं कि सारा विश्व में प्रसिद्ध है, श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता। तो भक्त लोग श्रीमद भागवत गीता को वितरण करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना भी है, वितरण भी करना है ताकि दूसरे लोग पढ़ पाए। तो एक एक भक्त न्यूयॉर्क में, उनका होटल के साथ अच्छा कनेक्शन था, एक न्यूयॉर्क के होटल एक था वहां, उससे अच्छा कनेक्शन था। तो
वो होटल में उस होटल का मालिक को बोला था कि आपका होटल में हर एक रूम पे आप भगवत गीता रख दीजिए। तो होटल का मालिक कुछ रूम्स में वो भगवत गीता रखा, कुछ स्पेशल रूम्स में भगवत गीता, बहुत बोलने के बाद बहुत रिलेशनशिप ये करके मतलब रिक्वेस्ट किया तो कुछ कुछ रूम्स में भगवत गीता रख दिया। तो ऐसे एक साल बीत गया, ठीक है, 10 भगवत गीता वहां पे होटल में गया, मालिक 10 भगवत गीता का पैसा दिया। बहुत बड़ा होटल नहीं था, इट वॉज ए नॉर्मल होटल, इट्स लाइक एन इन, 50-60 रूम्स आर देयर। एक साल बाद सडनली होटल का जो मालिक है वो ये भक्त को फोन कर रहा है, फोन करके बोला आप जल्दी आइए इधर, आपसे कुछ बात करना है। तो होटल का मालिक के पास गया भक्त लोग, वो भक्त गया, बोला कि क्या हुआ? तो बोला कि लास्ट नाइट, पिछले दिन रात को एक व्यक्ति इस होटल में आया था, बहुत परेशान दिख रहा था, और अगले दिन सुबह वो भगवत गीता लेके काउंटर में आया, होटल का काउंटर में आया। होटल का काउंटर में आके वो लोग, वो व्यक्ति पूछा कि ये भगवत गीता कहाँ मिलता है, कौन लिखा है इस भगवत गीता को, ये कैसे, कौन सा जगह से ये पब्लिश हुआ है, कौन है ये लोग, हमको मिलना है। तो होटल का जो काउंटर में जो लोग था वो मालिक को खबर दिया कि कौन ये भगवत गीता दिया है। तो मालिक इस भक्त को फोन किया। तो हुआ ऐसा कि वो व्यक्ति बहुत परेशान था और सुइसाइड करने के लिए होटल में आया था, सब कुछ एकदम मतलब रेडी था एक तरीके से, लेकिन सडनली सुइसाइड करने जाएगा तो उसका नजर जो है होटल का रूम में रखा हुआ भगवत गीता की तरफ चला गया। और कैसे भी तरीके से वो उस भगवत गीता को पढ़ना चालू किया, और पढ़ते पढ़ते वो सोचा कि हम इस शरीर को मारने वाले, हमारा तो कोई मृत्यु नहीं है, हम तो आत्मा है, आत्मा अविनश्वर है, आत्मा का कोई विनाश नहीं होता है। और भगवत गीता पढ़ते पढ़ते बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा और सो गया, और ही गेव अप द आइडिया ऑफ सुसाइड एंड फाइंड अ न्यू डायरेक्शन इन हिज लाइफ। तो होटल के काउंटर में जाके पूछे कौन लोग है, तब भक्त लोग से मिला बाद में जाके, और इस तरीके से होटल का मालिक को भी भक्त लोग बोला कि आपको सब रूम्स में रहना चाहिए, ऑल द 50 रूम्स शुड हैव भगवत गीता फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। होटल का मालिक मान गया, हर एक रूम में भगवत गीता सब समय रहता है, कोई भी उस रूम से भगवत गीता पढ़ के अगर खरीदना चाहता है तो खरीद लेता है, उस जगह पर और एक भगवत गीता डाल देता है, हर टाइम पे हर एक रूम में भगवत गीता रहना ही चाहिए। इस तरीके से भगवत गीता एक कहानी है। एक बार और एक कहानी में होता था, और एक इंटरेस्टिंग कहानी हुआ था। एक भक्त था बहुत पुराना टाइम पे, तो एक भक्त क्या हुआ, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा था, ठीक, तो भक्ति करते करते क्या हुआ, सडनली कुछ दिक्कत आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो वो सोचा कि भक्ति छोड़ देंगे, ऐसा सोचा, कुछ नशा लग गया था उसको, भक्ति करते करते कुछ चीज का नशा लग गया था, मतलब बाहर का कुछ नशा में भी उलझ गया था, ठीक ठाक से, मतलब पहले होता है ना, पहले अच्छा से भक्ति करते बाद में जाके थोड़ा डिफिएट हो गया था, और कुछ नशा का ये लग गया था उसको। तो फिर उस नशे के चक्कर से वो भक्तों का संघ को छोड़ दिया था, भक्तों का संघ को छोड़ के, अभी तो मछली नहीं खाता है ना भक्त लोग, मतलब तो मीट ईटिंग नहीं करता है, तो वो जब भक्त संघ छोड़ दिया तो फिर वो मीट ईटिंग भी सोचा कि मीट ईटिंग भी चालू कर देंगे, मछली खाना चालू कर देंगे, ठीक है। तो वो फिशरमैन था पहले, और फिर से फिशिंग चालू कर दिया, ठीक है। फिर से फिशिंग चालू करने का सोचा कि अभी हमें आज को मछली पकड़ के हम मछली खाएंगे,
पकड़ के खाएंगे आज को, ऐसा सोचा वो। तो फिशिंग रोप फिशिंग रॉड लेके वो नदी में चला गया, डैम में चला गया फिशिंग करने। फिशिंग करने लगा, कुछ देर बाद उसका जो फिशिंग जो रॉड है वो बहुत भारी हो गया। उसको सोचा कि बड़ा मछली हाथ लगा है, आज तो पूरा मजा आ जाएगा, बड़ा मछली हाथ लग गया है। तो वो सोच रहा है कि बस उठाते हैं और लेके जाते हैं, आज का काम खत्म हो गया। हाँ, रात में जाके मछली उसको भाजा करके खाएंगे। हाँ, तो जब उठाया जो फिशिंग रॉड को, छिप को जब उठाया, अब देखा कि अरे ये तो भगवत गीता कौन फेंक दिया था डैम में, भगवत गीता प्लास्टिक में था, भगवत गीता उठ गया। अरे भाई ये तो भाई चमक चौंक गया पूरा एकदम। सोचा भक्तों का संग छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दिया, अभी मछली खाना शुरू करेंगे, और मांस पकड़ने आया, मछली पकड़ने आया तो उसे भगवत गीता उठ गया। डैम में कोई फेंक दिया था भगवत गीता, गुस्सा होकर कोई फेंक दिया था, नहीं पढ़ेंगे, उसको मिल गया। तब वो सोच गया, तब उसको समझ में आ गया कि मैं कृष्ण को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कृष्ण मेरे को इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। कृष्ण जिसको एक बार पकड़ लेता है उसको इतना आसानी से नहीं छोड़ता है। वो समझ गया कि भाई हमको फिर से भक्ति करना ही है, ऐसे भगवान हमको छोड़ने वाला नहीं है। वो फिर से भगवत गीता पढ़ के फिर से भक्ति करना शुरू कर दिया, फिर से भक्त संघ में कनेक्टेड हो गया। तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का बहुत सारा लीला है, और अभी और एक दिन मौका मिलेगा तो उसका चर्चा करेंगे। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी लेड बाय श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित एंड नरोत्तम दास ठाकुर, वो लोग अगर पहला बुक्स को नहीं लेके आता तो आज को हम लोग इतना कुछ हम लोग को गोस्वामी का ग्रंथ नहीं मिलता। इसी तरीके से श्रील प्रभुपाद भगवद गीता और श्रीमद भागवतम को अगर नहीं लेके जाता विदेश में सारा दुनिया में, तो हम लोग भी भक्त नहीं बनते। अमेरिकन लोगों को देख के ही तो भारत लोग भक्ति को अपनाया। श्रील प्रभुपाद 40 साल कोशिश किया भारत में प्रचार करने के लिए, कोई भक्त नहीं हुआ। जब अमेरिका का लोगों को लेके आया तब जाके इंडियंस लोग इंटरेस्ट हुआ भक्ति में। ये तो 40 साल कोशिश किया था श्रील प्रभुपाद, एक भी भक्त नहीं बन रहा था। तो अगर श्रील प्रभुपाद ये मिशन को नहीं आगे बढ़ाता, भगवद गीता का प्रचार विदेश में नहीं करता और श्रीमद भागवतों को विदेश में नहीं लेके जाता तो हम लोग इसको नहीं मिलता। तो श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ को हम लोग को बहुत सीरियसली लेना है, पढ़ना है, और इसको दूसरे को भी बताना है, दूसरे को भी श्रील प्रभुपाद का शास्त्रों का जो विज्ञान है उसको और फैलाना है, और दूसरे लोग भी बेनिफिटेड हो उस वो हम लोग को कोशिश करना है। तो मेरा जो हर एक साल हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, 2 साल से ये बुक मैराथन का टाइम है। श्रील प्रभुपाद का बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन हावड़ा स्टेशन में, शियावड़ा स्टेशन में हम लोग करते थे, तो 2 साल से बंद है एक तरीके से, कोरोना के लिए लास्ट ईयर बंद था। इस साल भी वैसा माहौल और कम कोई उतना नहीं कर रहा है, इस साल भी बंद है। एक्चुअली मेरा जो दिसंबर मंथ है वो पूरा बिजी रहता था, हावड़ा स्टेशन और सियालदह स्टेशन में ही मेरा दिसंबर मंथ बीतता था। एक तो मैं अपना पर्सनल लाइफ का कहानी बताता हूँ। एक बार मैं 3 साल पहले 2019 दिसंबर, 2 साल पहले, तो हम लोग सोचे कि नया एक बुक टेबल लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? सोनारपुर में लगाएंगे सोचे। तो सोनारपुर रेलवे स्टेशन के, कोलकाता में है सोनारपुर रेलवे स्टेशन, बहुत भीड़ होता है वहाँ पे रेलवे स्टेशन के नजदीक, बहुत लोग जर्नी करता है, आता जाता रहता है। वहां पे हम लोग बुक टेबल लगाएंगे सोचे। तो भक्तों के साथ गया, बुक टेबल लगाया था एक दिन। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था, जनरली सियालदह और हावड़ा में ही लगाते थे। तो सोनारपुर में उस दिन जब हम लोग बुक टेबल लगाया, जगह ही नहीं मिल रहा था हम लोग को। हम गए थे, मेरा साथ और 2 जन भक्त गया था, 3 जन टोटल,
दो पेटी बुक्स लेके गए थे श्रीला प्रभुपाद का भगवत गीता, दो तीन पेटी ऐसा था। तो टेबल लगाया, पहले तो जगह ही नहीं मिल रहा है, और टेबल एक तो बहुत छोटा सा जगह मिला रास्ता का साइड में, पूरा एकदम पूरा रास्ता का दोनों साइड पूरा भरा हुआ है, दुकान ही दुकान, कोई कपड़ा का दुकान, कोई कुछ का, किसी मतलब यूटेंसिल्स का दुकान, ऐसा दुकान से पूरा भरा हुआ है, जगह ही नहीं, कोई जगह फाका ही नहीं था। बहुत कष्ट से एक तो जगह मिला, जब टेबल लगाया तब कहाँ नहीं कहाँ से लोग आ गया, क्या हुआ प्रॉब्लम, तुम मेरा दुकान का सामने टेबल लगाया है, भागो यहाँ से। हम बोले दुकान का सामने तो नहीं है, ये तो दुकान का साइड में है, ये आपका एग्जैक्टली पूरा दुकान में पूरा एंट्रेंस में आपका कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, पूरा दुकान में आराम से आदमी घुस सकता है, ये दुकान का सामने नहीं है। हम लोग समझाए, हम समझाने का कोशिश किया उसको, लेकिन वो नहीं। हाँ, ऊपर से कोई कोई दुकान का आदमी नहीं है, वो भी आ गया झगड़ा करने। बोले नहीं उठाओ टेबल उठाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा ऐसे, हाँ तुम लोग मेरा दुकान में डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ बुक टेबल लगा के। और क्या हुआ उसके बाद, हर एक दुकान से आदमी आ गया, हाँ वो लोग धमकी देने लगा कि अरे बुक हटाओ इधर से, कोई कोई अपना हाथ में बुक ले लिया और फेंकने ही वाला था, हाँ इधर उधर फेंकने ही वाला था, कोई कोई टेबल उठाने वाला था। तो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों को, अरे पूरा जो दुकानदार 15-16 दुकानदार आ गया, भाई दुकान में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इधर तो है ही नहीं दुकान के सामने, तो छोटा जगह पे आप लोग एडजस्ट कर लिया है। अब बोले नहीं माइक चला रहे हो तुम लोग, अनाउंस कर रहे हो, ये कर रहे हो, हाँ दुकान का ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, ये दिस दैट, और बुक्स को सब फेंकने ही वाला था, और टेबल को तो मतलब उठा देने वाला था, हाथ में उठा देने वाला था। तो क्या क्या हुआ, एक दूसरा एक दुकानदार आ गया, वो दुकानदार हम लोग को प्रोटेक्ट करने लगा, बोले छोड़ो छोड़ो इन लोग को छोड़ो, क्या हुआ नहीं। हम बोले कि देखिए समझा रहे इन लोगों को, ये लोग आके किताब ही फेंक दे रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है। फिर वो दुकानदार बोला कि ठीक है तुम लोग मेरा दुकान के सामने टेबल लगाओ। हम लोग उस दुकान के सामने टेबल लगाया, फिर माइक भी चलाया, अनाउंस भी किया, हाँ भगवद गीता लीजिए लीजिए। फिर उस दिन अराउंड 35 भगवद गीता वेंट। सेकेंड दिन फिर से आए हम लोग, दो हफ्ता बाद फिर से उधर पे गए, फिर से झमेला किया, सेम झमेला किया, फिर से हम लोग दूसरा जगह पे लगाए उस दिन, लेकिन फिर से लोग झमेला किया, फिर से वो दुकानदार हम लोग को बचाया, और उसके बाद हम लोग फिर से हम लोग 30 भगवद गीता, उस दिन 5-6 तो कम हुआ था, 25-30 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखिए दो बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए और झमेला के सामने पड़े गए, तो रियल झमेला का सामने, 15-16 दुकानदार आके भगवद गीता को ऑलमोस्ट फेंकना चालू कर दिया था, लेकिन भगवान संभव प्रोटेक्टेड। तो भगवान के ऊपर विश्वास रहना चाहिए, हम लोग सोचेंगे कि अच्छा कुछ नहीं करेंगे, हाँ भगवान का मर्सी को दूसरे को देने के लिए बहुत कठिनाई आता है, बहुत चैलेंजेस आता है, बहुत ये माया और कली बहुत बहुत ट्रबल क्रिएट करता है, लेकिन कैसे भी करके अगर हम लोग एंडीवर को भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे तो भगवान, देखिए ऐसा स्थिति हो गया था कि हम लोग को मतलब पूरा एकदम मार के भगाने वाला था, लेकिन उस स्थिति से हम लोग वहीं पे रह के 35 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करके गए, जो कि कम नंबर नहीं है एक रात में। It was successful. Almost it was on the brink. It was on the brink of destruction. But it was ultimately success. इसी तरीके से जब लोग कोई भक्ति करता है ना, तो भगवान ऐसा सिचुएशन कभी कभी तैयार कर देता है उसके जीवन में, उसको लगता है कि अरे भाई भक्ति करके मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया, मेरा तो अवस्था खराब हो गया भक्ति करके, ऐसा सोचता है। उस टाइम पे उस परीक्षा का घड़ी को अगर पास कर लेगा तो अगले ही मोमेंट में उसको
इतना सक्सेस देता है भगवान कि वो सोच भी नहीं पाता है। इसलिए हमेशा हम लोग को भक्ति का प्रोसेस को हम लोग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति हो। कठिन परिस्थिति आएगा, आसान नहीं है मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड में चैलेंजेस आएगा, माया देवी चैलेंजेस देगा, कली कली बहुत सारे के चैलेंजेस देगा, कली युग है, उसका ही युग है। कली नहीं चाहता है कि ज्यादा भक्त लोग का उछल कूद बढ़ जाए, कली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है उसमें, ज्यादा उछल वो सोचता है कि कैसे इन लोगों को दबाया जाए, ज्यादा उछल कूद कर रहा है भक्त लोग, अभी इसको दबाना है, अभी इसको कुछ गड़बड़ करना है, कली ऐसा प्लान करता रहता है, उसका युग है। और भक्ति का हर जगह फैला देंगे तो उसका बैंड बच जाएगा, जहां पर भी भक्त लोग है वहां पर तो कली का चार कार्य नहीं होता है ना, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन एंड गैम्बलिंग, दिस फोर थिंग्स डजंट हैपन। कली बहुत चिंतित हो जाता है, तो इसलिए हम लोग को कठिन सिचुएशन में भी भगवान का भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान के प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए हमेशा। सो आई एंड हियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वेरी वंडरफुल पेशेंस एंड अटेंटिव हियरिंग। सो एनी